गाइस बात करें आज के टाइम की तो यहाँ पे ट्रिपल कैमरे का ट्रेंड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है और इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एक ट्रिपल कैमरा स्मार्टफोन की जो कि आता है टेक्नो की तरफ से। और ये जो स्मार्टफोन है ये आपको 9,500 रुपए में मिल जाता है। जनरली आपने देखा होगा जो ट्रिपल कैमरा स्मार्टफोन होते हैं वो आपको 20,000 या फिर उससे ऊपर देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो स्मार्टफोन है उससे हाफ प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे टेस्ट करेंगे कि कैमरे का परफॉर्मेंस कैसे होने वाला है। जी हाँ, ये खाली अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं होने वाला है, यहाँ पे कुछ आपको सैंपल्स भी हम देने वाले हैं। तो कैमरे का परफॉर्मेंस साथ ही साथ फोन का परफॉर्मेंस भी हम आपको बताएंगे और क्या कुछ नया देखने को मिलता है इस फोन में वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप जानना चाहते हैं टेक्नो कैमन i4 के बारे में और ज्यादा तो ये वीडियो देखते रहिए। दोस्तों ये है टेक्नो कैमन i4 का बॉक्स और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ट्रिपल रियर कैमराज। गाइज ये जो ट्रिपल रियर कैमराज हैं ये इस फोन की हाईलाइट है और अभी हम चेक करेंगे क्वालिटी इनकी कैसी है। फिलहाल यहाँ पे आपको 100 डेज का स्क्रीन रिप्लेसमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब एक बार आप स्क्रीन रिप्लेस कर सकते हैं। टेक्नो कैमन i4 इसका मॉडल नंबर है और 13 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल कैमरा आपको मिल जाता है। बात करें इस फोन के प्राइसिंग की तो ये है 11,499, लेकिन ये स्मार्टफोन आपको 9,599 में देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट ओपन कर लेते हैं इस बॉक्स को और देखते हैं क्या कुछ आपको देखने को मिलता है इस बॉक्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सबसे पहले आपका फोन दिख चुका है और ये है टेक्नो कैमन i4 और इसको रखते हैं साइड में फिलहाल ये ब्लैक कलर में और देखेंगे क्या कुछ आपको नया डिजाइन देखने को मिला है इस बार। फिलहाल अगर हम बात करें बॉक्स के कुछ और कंटेंट्स की तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एक बैक केस कवर जो कि सिलिकन टाइप का है, ट्रांसपेरेंट टाइप का है और यहाँ पे आपको टेक्सचर देखने को मिला है तो काफी बढ़िया कवर है और देखते हैं और क्या कुछ आपको मिलता है। तो यहाँ पे वारंटी कार्ड है 12+1 महीने यानी 13 महीने की, साथ ही साथ यूज़र मैनुअल आपको मिल जाती है और एक चार्जर है जिसकी अगर हम रेटिंग की बात करें तो ये है 5 वोल्ट 2 एम्पियर, तो ये कोई फास्ट चार्जर नहीं है और यहाँ पे आपको माइक्रो USB 2.0 वाला पोर्ट मिल जाता है, साथ ही साथ एक सिम इजेक्टर टूल भी दिया गया है। फिलहाल यहाँ पे फ़ोन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है बैक साइड से और यहाँ पे रिमूव करते हैं इस फिल्म को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको रेनबो कलर देखने को मिल रहा होगा, काफ़ी सारे यहाँ पे शाइनिंग कलर्स आपको मिल रहे हैं। फिलहाल जो बैक बना हुआ है वो है पॉलीकार्बोनेट का और काफ़ी शाइनी है और यहाँ पे जो रेनबो कलर है वो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। सो गाइस यहाँ पे फ़ोन हो चुका है बूट और चेक करते हैं फ़ोन के फिंगरप्रिंट स्पीड, तो यहाँ पे अनलॉक होने में कोई भी आपको डिले नहीं मिल रहा है, काफ़ी ठीक ठाक स्पीड आपको मिल जाती है और जो UI दिया गया है वो भी कस्टम UI है जहाँ पर आपको एंड्रॉयड 9 Pie देखने को मिल रहा है। फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करें कुछ फ्रंट कैमरे के फेस अनलॉक की तो यहाँ पे फेस अनलॉक भी काफ़ी आपको फास्ट मिलता है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है। दोस्तों बात करते हैं इस फोन के फिजिकल ओवरव्यू की तो सामने की तरफ आपको मिल जाती है 6.2 इंचेस की HD डिस्प्ले और गाइज यहाँ पे आपको IPS पैनल देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा, एक ईयरपीस मिलेगा और बात करें इस फोन के बैक साइड की तो यहाँ पे जो मटेरियल यूज हुआ है वो है पॉलीकार्बोनेट और ट्रिपल रियर कैमराज आपको मिल जाते हैं। जो प्राइमरी कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल, जो सेकेंडरी कैमरा है वो है डेप्थ सेंसर जो कि है 2 मेगापिक्सल का और यहाँ पे आपको एक वाइड एंगल कैमरा मिलता है जो कि है 8 मेगापिक्सल का। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक LED फ्लैश मिल जाती है और एक फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया हुआ है। टेक्नो की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, साथ ही साथ अगर हम बात करें फोन के राइट साइड की तो यहाँ पे पावर बटन, वॉल्यूम प्लस और माइनस बटन, फोन के टॉप साइड में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता और लेफ्ट साइड में दी गई है एक सिम ट्रे। फोन के बॉटम साइड में आपको स्पीकर ग्रिल, माइक्रो USB पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और 3.5mm जैक दिया गया है। अब गाइस यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्चुअल कैमरा परफॉर्मेंस की तो अभी आप जो फोटो देख पा रहे हैं इसको मैंने क्लिक किया है इस फोन के रियर कैमरे से तो देख सकते हैं किस लेवल की आपको क्वालिटी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इस फोन के वाइड एंगल कैमरा की तो देख सकते हैं 120 डिग्री वाइड है और यहाँ पे काफी सारी आपको डिटेल्स देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों बात करिए इस फोन के फ्रंट कैमरे की तो 16 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल जाता है और ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं ये फ्रंट कैमरे से खींची गई है। सो गाइस यहाँ पे बात करते हैं मेरे ओपिनियन की तो यहाँ पे आपको मिलता है MediaTek का 6761 चिपसेट जो कि एक क्वाड कोर चिपसेट है और मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज में आपको ऑक्टा कोर CPU मिलना चाहिए था। इसके अलावा यहाँ पे आपको 2GB की रैम मिलती है तो मुझे लगता है कि जो स्टार्टिंग वेरिएंट है वो 3GB से स्टार्ट होता, यानी 3GB रैम से स्टार्ट होता तो काफ़ी बढ़िया बात हो जाती। फिलहाल दोस्तों ये कह सकते हैं कि ये एक कैमरा स्मार्टफोन है
आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसकी अनबॉक्सिंग और मेरे कुछ इनिशियल इंप्रेशंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज अगर आप आगे देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपने सब्सक्राइब किया तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।